हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने फटी पुरानी कुर्ती में से ये कितना सुंदर सा डोरमेट बनाया है, और ये काफ़ी थिक बना है क्योंकि जो हमने यहाँ पर बेस में कपड़ा यूज किया है वो हमने जींस का लिया है। आप ब्लू या ब्लैक कोई भी जींस का कपड़ा ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्लैक का लिया है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम वेस्ट पड़ी हुई पुरानी कुर्ती में से डोरमेट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये अपनी फटी पुरानी कुर्ती ली है, और एक मैंने यहाँ पर ब्लाउज पीस लिया है वाइट कलर का। तो सबसे पहले हम ये वाइट वाला कपड़ा लेंगे, और इसमें से हम दो दो इंची की ये पट्टियाँ कट कर लेंगे। जितनी भी इस डोरमेट में लगेंगी उतनी हम इसमें से दो दो इंची की ये पट्टियाँ कट कर लेंगे। जितनी भी छोटी और बड़ी लगेंगी उतनी हम कट कर लेंगे। इसी तरह की जितनी भी इसमें लंबी और पट्टियाँ लगेंगी उतनी हम इसमें कट कर लेंगे। तो मैंने इसके वेस्ट के लिए पैंट में से ब्लैक कपड़ा कट कर लिया है। ये देखिए, जितना भी बड़ा मुझे ये डोरमेट बनाना है उस हिसाब से मैंने ये कपड़ा कट किया है। तो मैं इस डोरमेट को ओवल शेप में बनाऊंगी। तो इस तरह से हम ये अपना कपड़ा रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करके। तो अब हम इसमें थोड़ी सी गुलाई में यहाँ से, जहाँ से हमने डबल फोल्ड किया है सेंटर में से, और इस पर गुलाई में हम निशान लगाएंगे। इससे हमारा जो कपड़ा है वो ओवल शेप में कट जाएगा। तो ये देखिए, एक साइड से हमारा कपड़ा कट गया है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसका कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये देखिए, कपड़े को मैंने ओवल शेप में कट कर लिया है। पहले मैंने कपड़े को चौकोर कट किया, उसके बाद मैंने उस पर गुलाई में निशान लगाते हुए ये ओवल शेप में कट कर लिया है। अगर आपको ओवल शेप में कपड़ा कट करना है तो इससे बेटर तरीका कोई नहीं है। तो आप इसी तरह से ओवल शेप में अपना कपड़ा कट कर लें। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ वाइट की ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि वाइट की एक पट्टी लेंगे, और उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इस पर पहले ही सिलाई लगा लें। मैं यहाँ पर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं इस पर डायरेक्ट अपने ये कपड़े पर रखकर इसको सिलूंगी। तो पहले हम इस वाले कपड़े पर निशान लगा लेंगे कि हमें किस तरह से इस पर ये पट्टियाँ लगानी हैं। तो एक कपड़ा लेंगे और चौक लेंगे जिसे हम इस पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से, तो मैं यहाँ पर ये चौकोर में निशान लगाऊंगी। तो दो दो इंची या डेढ़ डेढ़ इंची का गैप रखते हुए मैं इसमें पट्टियों का निशान लगाऊंगी, जिसमें मैं अपनी पट्टियाँ लगाऊंगी। तो इसी तरह से मैं इस पर, जो मैंने लंबे लंबे ये निशान लगाए हैं, इसी तरह से मैं इस पर पट्टियाँ सिलकर तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करूँगी, एक बार एक इस तरह से फोल्ड करूँगी, और एक फोल्ड में इस तरह से करूँगी, और यहाँ पर अपनी पट्टी को रखते हुए और इस पर मैं सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो एक सिलाई मैं सीधी लगा लूँगी इस पर, इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो इसको मैं सिलकर तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके पहले सीधी सिलाई लगा लें, उसके बाद आप इस पट्टी को अपने डोरमेट के वेस्ट पर जोड़ लें।
तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दी हूँ। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा डोरमेट है वो काफ़ी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं इन पट्टियों को इस पर सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इन सारी पट्टियों को मैंने इस तरह से लम्बा लम्बा सिल लिया है। ये पीछे से काफ़ी क्लियर दिख रहा है क्योंकि वाइट कपड़े वो धागे से मैंने सिला है इसलिए। तो इनको मैंने एक सिलाई लगाते हुए इस तरह से सिल लिया है। तो अब हम इसमें इस तरह से पट्टियाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पर पट्टियाँ लगानी हैं तो यहाँ पर भी मैंने निशान लगा लिया है। तो मैं यहाँ पर ये दूसरा कपड़ा ले रही हूँ और इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से पहले थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम एक फोल्ड और लगाएंगे। तो इसको भी हम, इन पट्टियों को भी हम यहाँ पर इस तरह से सीधा सीधा सिल लेते हैं, सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये पट्टियाँ भी हमारी पहली पट्टियों की तरह जो हमने स्ट्रिप इसमें सिली हैं उसी तरह से हम इसे स्ट्रिप को सिलेंगे। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसे फोल्ड करूँगी। एक बार इस साइड से करेंगे और एक बार हम इस साइड से करेंगे और एक फोल्ड और करेंगे। तो ये देखिए कितनी चौड़ी सी हमारी, कितनी पतली सी ये स्ट्रिप बन गई है। तो इसी तरह से हम इसे सिल लेते हैं। तो ये देखिए इस पे मैंने ये पट्टियाँ भी लगा ली हैं और ये हमारा कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम इसकी किनारी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये वाली पट्टी लगाई है, इसी से मैं इसकी किनारी लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसे उल्टा रखेंगे और उल्टा रखते हुए इसके चारों ओर हम कहीं से भी इसे शुरू करेंगे और इसके चारों ओर हम ये पट्टी सिलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये पट्टी सिल लेंगे, इसके चारों ओर घुमाते हुए उल्टा रखने के बाद हम ये पट्टी सिलकर तैयार कर लेंगे। तो इसे सिल ले, तो ये देखिए इस पट्टी को मैंने सिल लिया है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे और इस पट्टी को हम नीचे की साइड से ऊपर की साइड में लेकर आएंगे। अब हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड से और इस पर चारों ओर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी किनारी है वो लगकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने पहले इसे उल्टा सिला है नीचे की साइड में, फिर उसे हमने ऊपर कर लिया है, उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग चारों ओर से लगकर तैयार हो जाएगी। तो इसे लगा कर सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे मैंने यहाँ तक सिल लिया है, इसकी किनारी सिल ली है। तो अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर की कुर्ती ली है, इसमें से हम ट्रायंगल पीस कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ये ट्रायंगल पीस कट कर लिए हैं, 3x3 के या फिर 2x2 के, आप चाहें अपने अनुसार कट कर सकते हैं। तो अब हम अपना एक कपड़ा लेंगे और इसे हम इस तरह से चौकोन में फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम एक फोल्ड और करेंगे। तो इस तरह से, तो अब हम यहाँ पर इनको सिलते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके किनारों पर ये डिजाइन लगा लेंगे। आप चाहें तो पहले इस कपड़े को रखें, एक सिलाई लगाएं, उसके बाद एक वाइट कपड़े का ट्रायंगल पीस लें और उसकी भी इस तरह से डिजाइन बनाएं, फिर एक सिलाई लगाएं। तो इसी तरह से हम इसकी पूरी ये डिजाइन बना के तैयार कर लेंगे। जितनी भी इसमें लगेगी उतनी हम ये डिजाइन सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने वाइट्स को सिल लिया है इस तरह से, एक मैंने पिंक सिला है चौकोर में रखकर और एक मैंने वाइट सिला है, उसके बाद पिंक वाइट, इसी तरह से मैंने ये पूरी डिजाइन बना ली है। तो अब हम अपने डोरमेट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर पीछे की साइड में इससे इस डिजाइन को रखते हुए सिल लेंगे। तो इसे उल्टा रखने के बाद हम इसे यहाँ पर सिल लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से सिल सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप मशीन का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से आएगा।
जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इस डिज़ाइन को भी हम इस पे सिल कर तैयार कर लेते हैं इसी तरह से, तो इसे भी सिल लेते हैं। तो ये देखिए, इसके चारों ओर मैंने ये वायर्स लगा लिए हैं और ये हमारी कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी हम इसमें और लगा लेंगे जिससे कि ये काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इसी तरह से अब हम पिंक वाले लगाएंगे इस तरह से, इसके बीच में रखते हुए, यानी कि इन दोनों के बीच में रखेंगे यहाँ पर, और ये पिंक वाले लगा के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम चारों ओर इसके पिंक वाले लगा लेते हैं और इनको भी हम सिल लेंगे इसी तरह से। आप चाहें तो व्हाइट और पिंक के लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिंक कलर ही यूज करूँगी। तो इसी तरह से हम इनको सिलकर तैयार कर लेंगे। तो इसे सिल लेते हैं। तो इन दोनों वाइट्स की हम पिंक पिंक वाले वाइट्स की हम दो रो लगा लेते हैं। आप चाहें तो एक रो भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से पूरी चारों ओर हम एक रो लगा के तैयार कर लेंगे, एक या दो, जितनी भी आपको ये बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो इस पर मैंने दो रो पिंक की लगा ली हैं इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा ये डोरमेट कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आप अगर और बड़ा बनाना चाहते हैं तो जो मैंने यहाँ पर ये बैट्स लगाए हैं इनको आप और भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा ये डोरमेट काफ़ी सुंदर लगेगा। मैंने यहाँ पर वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में लगाए हैं। आप चाहे तो इसे कलरफुल भी लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, हमने कितने ही आसान तरीके से इसे बना लिया है और ये काफ़ी थिक बना है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।